हाँ, इस लेक्चर में अपन आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके कुछ पार्ट होते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट्स देखते हैं। तो स्टार्टिंग अपन करते हैं, तो जैसे यूरोपियन कंपनीज़ का अराइवल होता है, बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व कैसे कायम हुआ, सिख साम्राज्य या एंग्लो सिख वॉर्स होती है, ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव वगैरह होता है, 1857 का जो विद्रोह है, कृषक आंदोलन है, वो भी चल रहे थे सिमिलर मैनर में, आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ था किस तरह से, 19 सेंचुरी का पुनर्जागरण जो बोलते हैं अपन, मुस्लिम सुधार आंदोलन वगैरह, गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय, और राष्ट्रीय जो अपन बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर के कुछ मतलब आंदोलन वगैरह हुए थे, वो उनको डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय स्तर के। या कांग्रेस उदय में सहायक कारक क्या थे, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, भारतीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल लीग क्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह क्या थे, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन किस तरह से चलाए गए थे, द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन किस तरह से प्रमोट हुए थे, कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण क्या था जो 47 तक चला था, रोलेट एक्ट क्या था, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रोलेट एक्ट के बारे में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे 1919 में रोलेट एक्ट आया था, खिलाफत मोमेंट क्या था, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 30 को, या 1937 में प्रांतीय चुनाव वगैरह है, और भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस लेक्चर में अपन पीरियोडिकली एक एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। कई पार्ट्स में होगा, स्टार्टिंग अपन फर्स्ट पार्ट से करते हैं, जो है भारत में यूरोपीय वाणिज्य का आरंभ, या कहते हैं कि यूरोपियन भारत में आगमन हुआ था, उसमें फर्स्ट पोर्टुगीज आए थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं इसको, भारत में वाणिज्य प्रारंभ और भारतीय में यूरोपियों का आगमन। देखते हैं इसमें आगमन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखो, मध्यकाल में भारत में पश्चिमी देशों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग थे, बिल्कुल थे। फारस की खाड़ी वाला मार्ग था जिसके थ्रू आया जा सकता था ईरान इराक होते हुए, और लाल सागर वाला मार्ग था। दो तरह के मार्ग एकदम क्लियर थे। दो कारणों के कारण लाल सागर जग का जो मार्ग था वो इस तरह से अभी जो इसे बेनिफिशियली है, स्वेज नहर रुकी है तो काफ़ी बेनिफिशियली है, पर उस टाइम इतना बेनिफिशियली नहीं था। मार्ग में आंतरिक कोसा पड़ना, मार्ग में चट्टानों वगैरह का पड़ना, तो उस वजह से वो मार्ग अच्छा नहीं माना जाता था। उसके अलावा ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से ही होता था। इंडिया में जितना भी व्यापार होता था फारस की खाड़ी से होता था। एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों से मार्गों से होकर गुजरती थी, और हर जगह उनको चुंगी दी जाती थी। चुंगी मतलब कोई टैक्स देना पड़ता था, एकदम से कोई नहीं ला सकता। जैसे एशिया से जो भी चीज़ यूरोप जाएगी तो कई सारे मार्गों से होती हुई जाएगी, तो उसको जगह जगह पर उनको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था। यूरोप व्यापार में इटली के व्यापारिक, मतलब इटली का एक तरीके से एकाधिकार था। जितना भी व्यापार होता था, नवीन जितने भी राज्य थे यूरोप के, वो व्यापार से दूर ही रहते थे। ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस था वो इटली का था, ठीक है ना, इटली का था। एक महत्वपूर्ण घटना जिसको मानी जा सकती है उस समय की बहुत ही बड़ी घटना, जिसमें 14 जो ये है आपके 1453 में जो ये कुस्तुस्तूनिया है, ये वाली जो घटना है ये बहुत बड़ी मानी जाती है। कुस्तुन्तुनिया पर, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं इसको, ओटोमन एम्पायर जो था, टर्किश एम्पायर, उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो एक तरीके से यूरोप को जाने वाला जो मार्ग था उसको टर्किश ने ब्लॉक कर दिया। तो अब उनको किधर से जाना पड़ेगा, यानी अब उनको नए तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर से उनका जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। भौगोलिक खोजों और व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे, बिल्कुल। पुर्तगाली जो प्रिंस हेनरी थे, जिनको हेनरी द नेविगेटर बोला जाता है, इन्होंने खूब हेल्प की कि आप जाइए आगे से आगे कीजिए, मतलब इनके नाम में ही नेविगेटर जुड़ा हुआ है। 1486 में पुर्तगाली नाविक थे जिनको लोम्यूडेज बोलते हैं, जो अफ्रीका के रास्ते कैप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। अफ्रीका का जो, अफ्रीका को अपन मैप देखेंगे तो अफ्रीका का जो लास्ट पार्ट है, साउथ अफ्रीका इधर कंट्री है, यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसके बाद में 1492 स्पेन की सहायता से कोलंबस जो था वो फर्स्ट नाविक बना जो भारत में अटलांटिक ओशियन, जो भारत की खोज में निकला था, अटलांटिक ओशियन पार कर दिया उसने और अमेरिका की खोज की उसने, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तर माशा द्वीप के थ्रू 1498 में इंडिया की तरफ पहला कदम रखा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो फर्स्ट इंडिया में इन्वेंशन किया था, उनमें पोर्टुगीज फर्स्ट नंबर पे है 1498 में, और इनकी जो कंपनी थी उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। डच थे सेकेंड नंबर पे 1605,
रीरिंग इन द औस्त इंडेंस से ब्रिटिश थे थर्ड नंबर पे 1608 में द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज डेनिश 1660 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी थे 1667 में फ्रांसीसी कंपनी। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे अपन। पोर्टुगीज़ है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन अगले लेक्चर में लेंगे। ओके।